ना मेरा है प्यार अमल, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ। ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूँ। तेरा मेरा है प्यार अमल। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मशी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। विंटर्स आ गए हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं। दो तीन दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। और मैंने यहाँ पे अपनी वॉर्म हाईनेक वेयर कर ली है और अब हम आज करेंगे बहुत ही क्यूट से, सिंपल से ट्रेंडी हेयर स्टाइल्स जो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ईजी टू मेक होते हैं। आपको बहुत ही कम टाइम में 2 मिनट्स में बना लेंगे आप। तो सबसे पहले अपने लिप्स पर टेंट लगा लेते हैं जिससे हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा पेल ना लगे। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पे वैसलीन की लिप बाम रोज़ फ्लेवर में, और ये बहुत अच्छा है ताकि आपके लिप्स चैप ना लगें, फटे हुए ना लगे। तो हमेशा अपने लिप्स पे लिप बाम लगा के रखा करें ताकि आपके लिप्स सर्दियों में फटे नहीं, चैप ना लगे। अब बनाएंगे हम बहुत अच्छी सी एक पोनीटेल जो विंटर्स में आपके किसी भी ट्रेंडी आउटफिट पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगेगी, आपके हेयर स्टाइल में एक अच्छा सा चार्म देगी, लुक देगी। और सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम करके, जो मेरे आगे से कर्टिन बैंक्स कटे हुए मैंने उसको सेपरेट कर लिया अपने बालों में, और जो लॉन्ग पीछे के हेयर्स हैं उसको मैं अच्छे से सिक्योर करके पीछे की तरफ जाके कॉम की हेल्प से अच्छे से उसको सिक्योर करूँगी ताकि मेरे हाथ में एक अच्छी सी लॉन्ग पोनी बन जाए। विंटर्स में जब हम ईस्टर्न वेयर के क्लोथ ज़्यादा वेयर करते हैं, हुडीज़, टी शर्ट, स्वेट शर्ट्स, हाई नेक, तो इस पर हमारे खुले हुए बाल ज़्यादा अच्छे नहीं लगते क्योंकि सर्दियों में बाल आपके चिपकते हैं सर्दी की वजह से। तो हाई पोनीटेल और बंस इस तरह के हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपको एक आपके लुक को एक अच्छा सा एक चार्म देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी अलग से नज़र आती है। और पोनी बनाने से, थोड़े से प्यारे से एक अलग न्यू स्टाइल के बंस बनाने से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है, आपके बालों को भी एक अच्छी सी रौनक मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कर्टेन बैंक्स को आगे की तरफ निकाल के अच्छे से कॉम कर लिया है और पीछे जा कर अपनी एक हाई पोनीटेल बना ली है। आप लोग देख सकते हैं कि हाई नेक पे हाई पोनीटेल कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, एक अच्छा सा ईस्टर्न लुक आ रहा है। तो आप लोग ये वाले लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वाली हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप आराम से आप हाई नेक पहन के, कोई भी हुडी पहन के ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब बनाएंगे हम एक दूसरा हेयर स्टाइल जो है बन, इसी पोनी से हम बनाएंगे। पहले इस पोनी को बना के आप उसको अपनी सारी पोनी को आगे ले आएँ और उसको अच्छे से कॉम करके अपनी पोनी को नीट एंड क्लीन करके एक ब्लैक रबर बैंड से अच्छे से, कोई पोनी हो आपकी जो अच्छे से खींचे लास्ट अपनी पोनी को उल्टी साइड करके उसको अच्छे से पोनी से सिक्योर कर लें। और फिर आपको चाहिए कोई भी रबर बैंड पे जो आगे वाले बाल हैं उसको अच्छे से एक नीट एंड क्लीन कॉम करके उसको नीचे वाली लॉ में आपको रबर बैंड लगानी है। और फिर इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है आपको, नीचे रबर बैंड अच्छे से टाइट करके अपने बालों को सिक्योर करना है कि वो खुले नहीं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं तो आप थोड़े ऊपर से उसको कर लें। उसके बाद आपको उसको थोड़े से बीच में से जगह खाली करके उसको ट्विस्ट करके अपने जूड़े के ऊपर ले जाना है। जैसे ही मैंने किया वैसे आप करें, मेरी वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, आप लोग देख सकते हैं कि यह वाला जूड़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे के जो बाल होंगे उसको आप किसी बॉबी पिन से या बाल पिन से अच्छे से अंदर ही अपने जूड़े में सिक्योर कर लें ताकि वो बाल आपके जो निकले हैं वो एक्स्ट्रा निकले नहीं। अपने बैंग्स को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लें कि बहुत ज़्यादा आपके बाल प्यारे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और क्यूट हेयर स्टाइल्स विंटर के, बहुत ज़्यादा ईजी हेयर स्टाइल्स हैं, आप लोग आराम से बना सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।